बाबा बागेश्वर का दरबार एमपी के मंदसौर में 3 दिनों तक लग रहा है। इन 3 दिनों में बाबा ने उन तमाम मुद्दों पर बयान दिए जिनका सरोकार हिंदू धर्म से है, लेकिन दरबार के आखिरी दिन बाबा ने अपनी उस परेशानी का खुलासा कर दिया जिसे सुनकर बाबा के भक्त हैरान रह गए। इसके साथ साथ बाबा बागेश्वर ने यह भी कहा कि विरोधियों को करारा जवाब मिलेगा। अब बाबा बागेश्वर किसके निशाने पर है, बाबा क्यों परेशान हो उठे और क्या है बाबा का अगला प्लान, देखिए ये रिपोर्ट। टेंशन में क्यों है बाबा बागेश्वर, क्यों आई बाबा के माथे पर चिंता की लकीरें? साजिश की दुकानों पर बाबा का बुलडोजर, बाबा ने किसके लिए कहा करारा जवाब मिलेगा? अपने बेबाक अंदाज, अपने तूफानी बयानों और अपने चुटीले अंदाज के जरिए विरोधियों पर निशाना साधने वाले बागेश्वर सरकार इन दिनों बड़े परेशान से नजर आ रहे हैं। बागेश्वर सरकार क्यों परेशान है, बागेश्वर सरकार किससे परेशान है और कौन रच रहा है बाबा के खिलाफ साजिश, हम आपको इन तमाम सवालों से रूबरू करवाएंगे और इनके जवाब भी बताएंगे। लेकिन पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि बागेश्वर सरकार ने अपने विरोधियों के खिलाफ क्या ऐलान किया है। हर विषय को बागेश्वर धाम से न जोड़ा जाए, क्योंकि अब वहां पर बहुत ही हमें जो संकेत लग रहे, अब और भी विचित्र साजिशें, प्लांटेड साजिशें, जो जिनकी हमने दुकानें बंद करवा दी हलीउल्लाह वालों की, उनके घर में घुस करके घर वापसी जो करवाई, तो अब बहुत ज्यादा आग मिर्ची उन्हें लगी हुई है। हम वचन अपना दे सकते और भारत के सभी शिष्यों से हमारी प्रार्थना हाथ जोड़कर, हमारे नाम का किसी भी शिष्य को, हमारे साथ में रहने वालों को कोई दान शुल्क दक्षिणा ना दे। आपको किसी को भी भरोसा किसी भी शिष्य पर हमारे करने की जरूरत नहीं है, आप हम पर केवल भरोसा करें। हम वचन देते हैं कि मर जाएंगे लेकिन सनातन नहीं झुकने। दरअसल एमपी के छतरपुर में स्थित बागेश्वर धाम में अब बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं और इन्हीं श्रद्धालुओं से मुनाफा कमाने के मकसद से पूरे इलाके में बड़ी तादाद में होटल और ढाबे भी खोले जा रहे हैं और इन्हीं होटलों और ढाबों में वो तमाम काम किए जा रहे हैं जिससे बागेश्वर धाम की छवि बिगाड़ी जा सकती है, ऐसा अंदेशा कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने जाहिर किया। मन में बड़ा पीड़ा उठ रही है, उस पीड़ा को हम कहें किससे, आप लोगों को बता सकते हैं। बागेश्वर धाम बड़ा ही पावन पवित्र तीर्थ है, 320 साल पुराना है, दरबार लगता है, प्रतिदिन लोग दर्शन करने हजारों की तादाद में, हम रहे ना रहे 10-20 हजार लोग प्रतिदिन मंगल शनिवार 1-1.5-2 लाख पहुंचते हैं। तो लोग बढ़ते हैं तो स्वभाववश व्यवस्था चाहिए, तो होटल ढाबा लोगों ने खोले, कुछ गांव वालों ने, लेकिन अब कुछ जो पीड़ा की बात है, सब लोग सुन रहे धर्म के पदाधिकारी भी, पीड़ा की बात यह है कि कुछ धर्म विरोधियों ने जमीन खरीद कर वहां पर ढाबा खोल लिए, मदरा आदि का कार्य प्रारंभ कर दिया, जिससे मन को बड़ी पीड़ा है। पीड़ा यह है कि सोची समझी हुई साजिशें बागेश्वर धाम को बदनाम करने के लिए, उस चीजों को जोड़ने के लिए की जा रही है। धीरेन्द्र शास्त्री को इसी बात का डर है, कहीं बागेश्वर धाम के नाम से जोड़कर कोई बड़ी साजिश रची तो नहीं जा रही, जिससे निपटने के लिए वो प्रशासन से कार्रवाई की गुहार लगा रहे हैं। मंदसौर के मन से बाबा ने यह भी कहा कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है, विरोध करने वालों का एजेंडा सेट है। बहुत ही जल्दी हमको विचित्र रूप से टारगेट किया जाएगा, हम आपको बता देते हैं। लेकिन विधर्मियों की इन कायरता से और कुत्तों के भौंकने से शेर डरते नहीं। बागेश्वर सरकार ने बिना नाम लिए ये जाहिर भी कर दिया कि उनके खिलाफ साजिश कौन रच रहा है। जिनकी हमने दुकानें बंद करवा दी
हलीउल्लाह वालों की, उनके घर में घुस करके घर वापसी जो करवाई, तो अब बहुत ज्यादा आग मिर्ची उन्हें लगी हुई है। इधर धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर एक और सवालिया निशान लगाया गया है। पूरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर बड़ा बयान दिया है। शंकराचार्य ने कहा है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी के प्रवक्ता हैं। शंकराचार्य ने कहा कि बीजेपी ठीक वैसे ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का इस्तेमाल कर रही है जैसे उसने श्री श्री रविशंकर और बाबा रामदेव का किया है। रविशंकर जी का नाम सुना है और कौन है उत्तराखंड के रामदेव जी का नाम सुना है। भाजपा ने दोनों को प्रचारक बना करके मौनी बना दिया या नहीं, शासन कर रही भाजपा दोनों को मौनी बना दिया या नहीं, वही हाल उनकी होगी जिनकी बात आप कर रहे हो। प्रचारक बना करके राजनेता उन पर मौनी बाबा बना देते हैं, आपको मालूम है। एक तरफ बागेश्वर धाम को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री परेशान हैं, तो वहीं अब पूरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का नया बयान सामने आया है। हालांकि यह पहला मौका नहीं जब धीरेन्द्र शास्त्री को बीजेपी से जोड़ा गया हो, लेकिन बाबा बागेश्वर ने अब तक इन तमाम बयानों पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया था। लेकिन बाबा ने यह साफ कर दिया है कि वो शेर है, धन्य है। हमें लग रहा भारत हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है, बनना ही पड़ेगा, इन पागलों को वरना रोकेगा कौन, और रुकना भी तब तक नहीं है जब तक बन ना जाए। इसलिए अपने घरों के बाहर धर्म ध्वज लगाओ, मस्तक पर तिलक लगाओ और हिंदू राष्ट्र के लिए जागृति लाओ और सनातन संस्कृति के प्रचार के लिए खुद भी जगो, पड़ोसी को भी जगाओ। बागेश्वर सरकार की राह उतनी आसान नहीं, वहीं विरोधियों को नजरअंदाज करना भी आसान नहीं। लिहाजा बागेश्वर सरकार की अगली रणनीति और अगला बयान क्या होगा? क्या धीरेन्द्र शास्त्री अपने विरोधियों को सीधा जवाब देंगे या इस बार कोई और तरीका अख्तियार करेंगे? इन तमाम सवालों का जवाब आने वाले वक्त में ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।